वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 15 नवंबर 2018। तो आइए अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट ये बातें हैं फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। जैसा कि मैं आपको काफ़ी लंबे समय से इन्फॉर्म कर रहा था, 15 नवंबर से यानी कि आज से बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, जहाँ पर आप क्लासरूम प्रोग्राम के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को भी अवेल कर सकते हैं। क्लासरूम प्रोग्राम में एक और 7-8 आवर्स में आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा विद एक्सपीरियंस फैकल्टीज। एट द सेम टाइम आपके पास एक कोच होंगे जो आपकी तैयारी करवाएंगे थ्रू सेल्फ स्टडी। वो आपको टारगेट देंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम को सेपरेटली भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बाकी की डिटेल्स ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, फीस और एनी अदर डिटेल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हमारे पास ऐसे राइटिंग के लिए क्या है। वी हैव अ स्टेटमेंट, द डेथ ऑफ डोगमा इज द बर्थ ऑफ मोरालिटी, यानी कि जो हठ धर्मिता है जब उसका अंत होता है तभी नैतिकता का उदय होता है, नैतिकता का जन्म होता है। जब आप किसी चीज पर स्टिक रहते हैं तो मोरल जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाती है, जो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। तो आपकी जो हठ धर्मिता है, डोगमा है, जब आप उसे पीछे छोड़ेंगे तभी आप मोरालिटी की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल अपनी समझ के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला आर्टिकल, ट्रंप एंड द ईरान बॉम्ब रंग। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हैं इस पूरे इशू के बारे में। देखिए, ईरान जो था उसकी महत्वाकांक्षा थी कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। ऐसे आरोप लगाए गए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर बना कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर पाए, और इसके लिए बातचीत 2003 में शुरू हुई ईरान और E3 के साथ। E3 में कंट्रीज आती थी जर्मनी, फ्रांस और UK। ये बातचीत 2003 में शुरू हुई कि पूरे रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना कर पाए। 2005 में इस बातचीत को और एक्सपेंड किया गया और P5+1 का फॉर्मेट अपनाया गया। P5 में वो 5 देश थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसमें +1 में जो था वो जर्मनी था। ठीक है, इसके अलावा EU भी इस निगोशिएशन का पार्ट था। हसन रूहानी जब सत्ता में आए 2013 में, इलेक्शन होने के बाद वो प्रेसिडेंट बने, तो सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो गई और अल्टीमेटली 14 जुलाई 2015 को JCPOA साइन किया गया। JCPOA का मतलब है ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत जो भी सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे ईरान के ऊपर उसे अपलिफ्ट कर लिया गया, हटा लिया गया। P5+1 में कौन से देश आते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया, US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। ये 5 वो देश हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबरशिप है इनकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी इस निगोशिएशन का पार्ट है और EU भी इसका पार्ट है। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास करके जिसका नंबर था 2231, JCPOA को इंडोर्स किया, कहा कि काफ़ी अच्छा कदम है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान के ऊपर उसे भी अपलिफ्ट कर लिया गया। सिंस ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इन निगोशिएशंस को आगे बढ़ाया था और ईरान के ऊपर सैंक्शंस को हटाया जा रहा था या JCPOA को साइन किया जा रहा था, तब उनके पास रिपब्लिकन डोमिनेटेड कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था। तो रिपब्लिकन डोमिनेटेड कांग्रेस ने एक लेजिस्लेशन पास किया था, दैट वॉज न्यूक्लियर एग्रीमेंट रिव्यू एक्ट, इनारा। ठीक है, इनारा के तहत मई 2015 के बाद, जो इसे मई 2015 में पास किया गया था, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होंगे उन्हें हर 3 महीने पर एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी कि ईरान ने किस तरीके से पॉजिटिव फंक्शंस किए हैं, लाइक टेररिज्म के मुद्दे पर, ह्यूमन राइट के मुद्दे पर, या फिर मिसाइल एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो कि आपत्तिजनक है। और अगर 3 महीने की इस रिपोर्ट में कुछ आपत्तिजनक होता है तो इस पूरे JCPOA को कैंसिल किया जा सकता था। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि जो JCPOA साइन किया गया है दैट इज़ एंटायरली वन साइडेड और ये ईरान को फेवर करता है, और उन्होंने ये भी वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो JCPOA को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी 7 महीने पहले उन्होंने JCPOA को कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर दिया था। उसके बाद ये तय था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस को इम्पोज किया जाएगा अगेन, जो कि पहले हुआ करता था। तो ये पूरा बैकग्राउंड इशू हमने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, 7 महीने हो चुके हैं जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव मेमोरेंडम को साइन किया जिसके तहत अमेरिका ने अपने आप को ईरान न्यूक्लियर डील यानी कि JCPOA से विड्रॉ कर लिया। ये जो पूरा विड्रॉल वाला केस था, इसके बाद वाइड रेंजिंग सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे जिसका इम्पैक्ट ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट पर होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके शिपिंग और एविएशन इंडस्ट्रीज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जो नए सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं इसका काफ़ी फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस पर। पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड है वो भी इससे प्रभावित होगी, उसका पूरा मार्केट इन जनरल इससे प्रभावित होगा।
इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, बिकॉज कई सारी कंट्रीज हैं जो ईरान की राइवलरी हैं, लाइक सऊदी अरेबिया, एट द अदर हैंड इसराइल भी एंटी है ईरान का। तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है वहाँ मिडिल ईस्ट की, वो भी इससे प्रभावित होगी जो सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क है जो ट्रंप ले रहे हैं, बिकॉज अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उनकी मेजोरिटी चली गई, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। हालांकि सीनेट में उनकी मेजोरिटी अभी भी है, हाउएवर डेमोक्रेटिक मेजोरिटी जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, इसके बाद ऐसा नहीं कि वो जेसी पुआ को फिर से रिवाइव करने का प्रयास करेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। जेसी पुआ तो जो कैंसिल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, आई होप कि वो बना रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। देखिए वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से तो जो ईरान का रिजीम है, जो उसकी सत्ता है, उसको कोई खतरा नहीं है, वो स्टेबल बना रहेगा। लेकिन जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, जो सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं, अगर वो अनसक्सेसफुल रहे, उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट ईरान पर नहीं पड़ा, तो यूएसए हो सकता है कि कुछ स्ट्रॉन्गर सैंक्शंस इम्पोज करे। जैसा कि यूएसए के एक ऑफिशियल ने कहा भी था कि अब जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर इम्पोज किए जाएंगे वो दुनिया के टफेस्ट सैंक्शंस में से होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बताया गया है कि नाउ ऑल आईज आर ऑन ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट। अभी सभी लोगों की जो निगाहें हैं वो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर हैं, कि इसके बाद सैंक्शन इम्पोज होने के बाद जो ईरान का ऑयल प्रोडक्शन है वो कैसे कम होगा। हालांकि यूएसए ने कुछ टेम्परेरी वेवर्स दे रखे हैं 8 देशों को इंक्लूडिंग इंडिया। सरप्राइजिंगली इटली और ग्रीस को ये वेवर दिया गया है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और अदर यूरोपियन स्टेट्स को ये वेवर नहीं दिया गया है। मतलब वो लोग ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनफैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव आप देख सकते हैं कि ये सभी वो देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन स्टेट्स, जिन्होंने जेसी पुआ को कैंसिल करने का विरोध किया था यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए जब कह रहा था कि वो जेसी पुआ के बाहर जाएगा, तो इन सभी देशों ने यूएसए का विरोध किया था। हो सकता है कि इस वजह से भी उन्हें वेवर ना दिया गया हो। नो मैटर वॉट, मेनी ऑफ द यूएस अलाइज इन यूरोप एंड कॉम्पिटिटर्स सच एज रशिया एंड चाइना विल कंटिन्यू टू सपोर्ट जेसी पुआ। ये सभी लोग जेसी पुआ को सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूएस के अलाइज हैं यूरोप में या फिर रशिया और चाइना। शायद यही कारण है कि जो ईरान की अथॉरिटीज हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, वो एंटी अमेरिकन पॉलिसी अपनाने में कतरा नहीं रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि उन्हें कई सारे देशों का बैकअप है, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, कितने कैटास्ट्रॉफिक होंगे ईरान की इकोनॉमी के लिए, ये अभी भी क्लियर नहीं है। ईरान की जो पॉपुलेशन है वो इस पूरे मुद्दे पर, जो हार्श सैंक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट पर, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए जब इसके पहले सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे, जिसके बाद ईरान की जो इकॉनमी थी वो काफ़ी परेशानी में पड़ गई थी, कंट्री के रेवेन्यू जो था वो घट गया था, उनकी जो नेशनल करेंसी थी वो डीवैल्यूएट हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, तो ईरान के जो यूथ थे वो काफ़ी डिप्रेस थे, डीमोरलाइज्ड हो गए थे, वो संतुष्ट नहीं थे वहाँ के रिजीम से कि वो सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एंटी यूएसए सेंटिमेंट है वो भी ईरान के यूथ में इमर्ज हो रहा था, जेनरेट हो रहा था। तो आर्टिकल एंड में, कंक्लूजन में ये बोलता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रेटजिक मिस्टेक होगी वॉशिंगटन की। अगर जो ईरान के यूथ हैं, जो कि शुरू से ही काफ़ी लंबे समय से प्रो अमेरिकन मिडिल ईस्टर्न यूथ रहा करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो वॉशिंगटन है वो एक ग्लोबल ऑर्डर को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसीलिए वो यूएसए को सपोर्ट करते थे। लेकिन अगर वो यूएसए के अगेंस्ट हुए, बिकॉज ट्रंप का एक सपना है कि वो नया मिडिल ईस्ट तैयार करेंगे, तो इसके बाद जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सभी के लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। आइए देखते हैं अगला आर्टिकल केयरफुली इन सबरीमाला, पेपर वन से टॉपिक को जोड़िए, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन से। आइए बात करते हैं आगे आर्टिकल में क्या कहा गया है। देखिए सबरीमाला में जो जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसके तहत 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि 10 साल से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें सबरीमाला के जो श्राइन है वहां पर एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला के टेम्पल में एंट्री को वैलिड करार दिया। अब इसके बाद पूरे केरला में इस चीज़ का विरोध होने लगा, डेली एक्टिविटी बन गई थी, लोग सड़कों पर उतर रहे थे, विरोध किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। जो महिलाएं एंट्री करने का प्रयास कर रही थी उनका विरोध किया जा रहा था, कई बार वायलेंस के केसेस भी हमारे सामने आए। उसके बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दी जा रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है सबरीमाला के श्राइन के इशू पर, उसको फिर से रिव्यू किया जाए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूजडे को एक ऐसी ही रिट और रिव्यू पिटिशन को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने सभी एज ग्रुप की महिलाओं को सबरीमाला के श्राइन में एंट्री के लिए अलाउ किया था। अब इसको रिव्यू किया जाएगा, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। हालांकि उन्होंने 28 सितंबर के जजमेंट को स्टे करने से इनकार कर दिया। ये मांग की गई थी कि जब तक इसे रिव्यू किया जाता है इस पूरे जजमेंट को, तब तक महिलाओं की एंट्री को रोक दिया जाए, बैन कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो इस पूरे इशू को 22 जनवरी के बाद ही सुनेंगे। देखिए 22 जनवरी को
22 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 20 जनवरी को जो साइन में एंट्री है वो शुरू हो जाएगी। देखिए पूरा 41 डेज का एक ये पूरा ट्रेडिशन है, परंपरा है, एक पूरा पिलग्रिमेज का प्रोसेस होता है जिसके बाद श्राइन में एंट्री की जाती है। तो 22 जनवरी को जब एंट्री स्टार्ट हो जाएगी उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इशू को सुनेगी, ठीक है, रिव्यू करेगी। इसके बाद केरला की स्ट्रीट पर हो सकता है जो टेंशन है वो थोड़े से डिफ्यूज हो जाए, कम हो जाए। अब उन्हें उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिसीजन को फिर से रिव्यू करेगा। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और तो ये कह दिया कि वो इशू को 22 जनवरी को सुनेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये मास मोबिलाइजेशन हो रहा है इसका क्या रिजल्ट हो सकता है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसे कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसे कैसे इन्फोर्स किया जाएगा इसकी पूरी जिम्मेदारी केरला की सरकार पर है। केरला की सरकार ने भी ऑल पार्टी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है जहां पर इस पूरे इशू को डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो सभी पार्टीज हैं वो मिल बैठकर निगोशिएशंस के जरिए इस पूरे इशू का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए जब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे इशू को फिर से रिव्यू ना कर ले, ठीक है। अब देखिए सभी पार्टीज जो इस लाइन से कनेक्टेड हैं उन्हें इस बात को समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं इसका सॉल्यूशन निगोशिएशंस के जरिए ही निकल सकता है। कोर्ट ऑफकोर्स में फर्दर क्लैरिफाई इट्स पोजिशन। देखिए 4-1 से जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो एम्बिगुअस तो नहीं है, वो साफ है। तो जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को फिर से सुनेगा तो वो अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई कर सकता है कि हाँ वो चाहते हैं कि सभी उम्र की महिलाएं जो हैं वो साइन में एंट्री करें और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं जो डिस्प्यूट में इंडल्ज हैं, पोलिटिकल पार्टीज या कम्युनिटेरियन ग्रुप्स, उन सभी लोगों को ये रियलाइज करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर इस इशू को फिर से उठाया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का विरोध किया जाता है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को वायलेट करने जैसा होगा और इससे जो पूरा सिस्टम है वो खतरे में होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर देखा। लेट्स सी अनदर वन, द मिडिल पाथ पेपर 3 से टॉपिक को जोड़िए, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ठीक है आइए बात करते हैं। देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच में विरल आचार्य जो डिप्यूटी गवर्नर हैं उनकी स्पीच के बाद, तो ये इशू तो हमने बहुत डिटेल से पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कारण क्या थे, क्या क्या इंप्लीकेशन थे, कई सारे आर्टिकल्स हमने इस पूरे इशू पर देखे हैं। अभी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आया आरबीआई ने सरकार की बातों को मानने से इनकार कर दिया, इनकार करते हुए ये कहा कि दे आर ऑटोनॉमस बॉडी और उन्हें पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का अधिकार है। उसके बाद सरकार ने आरबीआई एक्ट के एक लीगल प्रोविजन का इस्तेमाल किया, दैट वाज सेक्शन 7, इस पर भी हमने डिटेल चर्चा की थी, जिसे आज तक आजादी के बाद से लेकर अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। आर्टिकल जो सेक्शन 7 है आरबीआई एक्ट का, उसके तहत सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो सेंट्रल बैंक को डायरेक्टिव दे सकते हैं कि इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करने के लिए या फिर इकोनॉमिक सिस्टम को या माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए आरबीआई को क्या करना चाहिए, डायरेक्टिव सरकार दे सकती है। तो सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया गया जिसके तहत सरकार की उम्मीद है कि जो लिक्विडिटी स्ट्रैप्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एनबीएफसी का जो सेक्टर है उसमें लेंडिंग को इंक्रीज किया जाए और जो डजन ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं जो अभी आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लिस्ट में है, देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगने के बाद जो बैंक्स हैं वो किसी भी तरीके से लेंडिंग नहीं कर सकते जब तक कि अपने बैड लोन को अच्छे तरीके से स्टेबिलाइज न कर लें। तो अब बैंक्स लेंड नहीं कर पा रहे थे तो इससे बैंक्स को काफी दिक्कत हो रही थी। तो सरकार ये भी उम्मीद कर रही है कि जो लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं 12 से ज्यादा स्टेट ओन्ड बैंक्स पर उसे भी हटाया जाए। देखिए हाल की रिपोर्ट्स में ये जानकारी मिली है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं। ये इंडिकेशन देता है कि अब जो पूरा इशू है उसे रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है और जो आरबीआई है वो सरकार के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए रेडी है। ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई सरकार के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पर सरकार को भी चाहिए कि सरकार आरबीआई के कंसर्न्स को एड्रेस करे। देयर इज मेरिट इन ईजिंग द फंडिंग टैप ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आर्टिकल कहता है कि ये सही बात है कि आवश्यकता है कि जो MSMEs हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो उनको फंडिंग की कमी महसूस हो रही है उस चीज को ईज किया जाए, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के बाद उन्हें काफी फंडिंग का क्रंच झेलना पड़ा है। उसके बाद जो स्लो डाउन आया उसका भी उन्हें नुकसान हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो NBFCs हैं वो पिछले 2 सालों से स्ट्रेस में हैं, बिकॉज बैंक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है लेंडिंग से। तो NBFCs को आपको पता है वो रीफाइनेंसिंग के जरिए अपना काम करते हैं, तो उन्हें पैसा जो है वो सिक्योरिटीज के जरिए मिलता है, बैंक से भी पैसा मिलता है, तो वो भी जो फंडिंग का क्रंच है उसे झेल रहे हैं, तो इनको ईज करने की आवश्यकता है, ये तो सच्चाई है। तो देखिए अगर आरबीआई सरकार के कंसर्न्स को एड्रेस करने को तैयार है तो सरकार को भी चाहिए कि वो आरबीआई के कंसर्न्स को एड्रेस करें। तो ऐसे कौन से आरबीआई के कंसर्न्स हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए? सरकार चाहती है कि आरबीआई बैंक्स को एक विंडो दे जिसके तहत उन NBFCs को लेंड किया जा सके जो कि सही लोगों को लोन दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आरबीआई का कंसर्न है वो ये है
कि अगर ये विंडो ओपन की जाती है तो इसका मिसयूज किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की आवश्यकता है कि कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं या फिर कौन से एनबीएफसीज हैं जो अपने बैलेंस शीट को पूरी मैनेज कर रहे हैं, कौन से अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, किनके केस जेन्युइन हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो इशू आया था कि सरकार चाहती थी कि 3 लाख करोड़ के अप्रॉक्सीमेट जो आरबीआई है वो अपने कैपिटल में से सरकार को दे दे, और कई सारे डिबेट्स वहां पर इमर्ज होकर आए कि आरबीआई के पास क्यों इतना एक्सेस कैपिटल है। तो आर्टिकल कहता है कि एक अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि हम इस डिबेट में जाएं कि आरबीआई कितना प्रॉफिट कमा रही है और आरबीआई का जो कैपिटल या रिजर्व है वो कितना होना चाहिए। तीसरी बात, ये देखिए एक बात और आती है, इस चीज़ को भी इशू को उठाया गया था, हमने इस पर भी चर्चा की थी कि आरबीआई के पास कई बार उसका जो एसेट होता है वो बढ़ जाता है वैल्यूएशन के बाद, बिकॉज उसकी जो सिक्योरिटीज हैं अगर उनका वैल्यूएशन बढ़ा तो आरबीआई के एसेट्स बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रुपी डीवैल्यूएट हो रहा है तो आरबीआई के पास जो रिजर्व्स हैं वो उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, इस स्थिति में भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। तो सरकार चाहती है कि इस प्रॉफिट को भी शेयर किया जाए सरकार के साथ। अब देखिए वो स्टैटिक रिजर्व है, रुपी की जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन उनका जो ओवरऑल रिजर्व है वो तो सेम बना रहेगा। तो केवल वैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन के आधार पर आरबीआई के रिजर्व्स को जज ना किया जाए, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होगा कि हम एक मिडिल पाथ अपनाएं, एक बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाए एक्सपर्ट कमेटी का जो कि कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार करे, एक एग्रीमेंट किया जा सकता है आरबीआई और सरकार के बीच में जैसा कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत किया गया था। देखिए 2 डिकेड पहले जब टोनी ब्लेयर की सरकार ने वहां के बैंक ऑफ जो इंग्लैंड था, जो वहां का सेंट्रल बैंक था, उसे ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की थी, तो उस समय टोनी ब्लेयर ने यह कहा था कि जो बिगेस्ट डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के वो बहुत जरूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो इंडिपेंडेंस दे रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड को, ये बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। उन्होंने एक बात और कही थी जो इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को कहीं भी कोट कर सकते हो कि वॉर और डिसिसिव एक्ट ये हमेशा जब लीडरशिप के द्वारा लिए जाएं तो इनका एम, इनका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए कंट्री की। तो आर्टिकल कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि जब अभी आरबीआई की बोर्ड मीटिंग होगी तो वहां पर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहां पर देखा। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आज हमारे पास है, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट ने कहीं इंडिया में अदर स्पोर्ट्स को ओवरशैडो तो नहीं कर लिया है? बिकॉज आप देखते होंगे जितनी तवज्जो क्रिकेट्स को या क्रिकेटर्स को दी जाती है उतनी तवज्जो अदर स्पोर्ट पर्सन्स को या स्पोर्ट्स को नहीं दी जाती। तो इस पर आपका क्या विचार है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।